Hello everyone. Today we are going to discuss fractional part function, right? समझते हैं इसको, देखना. देखो जितने भी real numbers होते हैं ना, जैसे suppose 2.7 है, तो कोई भी real number हमेशा दो number से मिलके बना होता है. एक इसका integer part और दूसरा इसका decimal part. Fine? तो जैसे इसका integer part तो कितना है 2 और the decimal part is 0.7. ये बात सही है. तो किसी भी नंबर को दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिखा जा सकता है. वन इज द इंटीजर पार्ट, अदर इज द डेसिमल पार्ट. अब ये जो 2.7 है, इसी को अगर मैं x बोल दूं, तो एनी रियल नंबर x, x को दो पार्ट्स में ब्रेक करा जा सकता है हमेशा. वन इज द इंटीजर पार्ट, और इंटीजर पार्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x से. और दूसरा जो इसका डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट के लिए जो नोटेशन है दैट इज दिस curly bracket x. So this represents the integer part of x, this represents the decimal part बोल दो इसको, या फिर fractional part बोल दो, it is the same thing. So it is the decimal part or the fractional part. Fine. तो बस यहां से define हो जाएगा हमारा that what is the fractional part function. इसी curly bracket x को बोल देंगे fractional part function. So this is the notation. So fx is equal to fractional part of x. और definition कहां से आएगी, यहां से आ जाएगी. So we know that any number x can be broken down into two numbers, greatest integer x plus fractional part x. तो यहां से fractional part x will come out to be x minus greatest integer x. So this becomes the definition of the fractional part x. तो अगर मुझे greatest integer x की जानकारी है, इसकी properties के बारे में idea है, तो fractional part x भी find किया जा सकता है. वो इसी पे depend करता है, greatest integer x पे. ठीक बात है जी. So this is the definition, इसको याद रखा जाएगा. Fine. तो इस डेफिनेशन को देख के बता सकते हैं कि थोड़े अगर एग्जांपल्स लेना चाहें, सो फर्स्ट एग्जांपल इज दिस ओनली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.7. तो 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा, इसका डेसिमल पार्ट 0.7, राइट. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 21.3 इट शुड बी इक्वल टू 0.3, डेसिमल पार्ट इज 0.3. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 10 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होना चाहिए, इंटीजर पार्ट 10 होगा और फ्रैक्शनल पार्ट वुड बी 0, कोई डेसिमल पार्ट इसमें है ही नहीं, सो द फ्रैक्शनल पार्ट वुड बी 0. तो इसका मतलब कोई भी इंटीजर अगर तुम लोगे तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 आएगा. या ठीक है, और देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.2. अगर ये मुझे फाइंड करना है -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो जल्दबाजी में 0.2 मत बोलना इसको. तो देखना डेफिनेशन की हेल्प से ट्राई करते हैं. x minus greatest integer x, तो क्या बनेगा, x की वैल्यू इज -1.2 और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी. तो 2 -1.2 इज 0.8. तो दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.2. तो मतलब इसको कैसे ब्रेक करके लिखा जाएगा, -2 इज द इंटीग्रल पार्ट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x. सो दिस विल गिव यू द फ्रैक्शनल पार्ट. एंड सिमिलरली अगर पूछा जाए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -7.9, लेट अस से, तो इसी डेफिनेशन का अगर यूज करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा. तो इसको नेक्स्ट टाइम से याद रखा जा सकता है कि अगर नेगेटिव नंबर्स हैं तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो डेसिमल पार्ट होगा ना जिसे 0.9 है, उसको 1 में से माइनस कर देंगे. तो 1 - 0.9 = 0.1 - 0.2 = 0.8. तो ये तरीका है नेगेटिव नंबर्स के फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड करने का. बट अदरवाइज जब भी किसी में भी कंफ्यूजन हो, वी कैन ऑलवेज यूज द डेफिनेशन. या ये भी देखो एक और एग्जांपल, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई, पाई का फ्रैक्शनल पार्ट अगर आपसे पूछा जाए, तो ये कभी मत बोलना कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.14 हो जाएगा. नो, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि 3.14 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई. तो इसका लिखने के लिए क्या करेंगे, डेफिनेशन का यूज करेंगे, पाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई, कितना आ जाएगा, ये पाई -3 आ जाएगा. फाइन. सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई स्क्वायर, ई कौन सा नंबर है, आइलर्स कांस्टेंट, तो ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.71.
तो अगर 2.7 मान के चले तो e स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.2 या 7.3 समथिंग आएगी। फाइन, तो इसकी वैल्यू 7.3 समथिंग है, बट फ्रैक्शनल पार्ट पूछा गया है, तो डेफिनेशन का अगर मैं यूज करूंगा अगेन इट वुड बी e स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ e स्क्वायर। अब क्योंकि e स्क्वायर की वैल्यू 7.3 समथिंग है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वुड बी 7, सो दिस इज e स्क्वायर माइनस 7। तो ये तरीका है फ्रैक्शनल पार्ट्स लिखने का। फाइन, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब अगर डेफिनेशन क्लियर है, इसकी हेल्प से ग्राफ प्लॉट करने की ट्राई करेंगे। हाँ जी, देखना, ग्राफ प्लॉट करने की ट्राई करते हैं। फाइन, तो डेफिनेशन का यूज करेंगे। डेफिनेशन क्या है ना, दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ध्यान देना, फ्रैक्शनल पार्ट x किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और अगर आपको याद हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की खास बात क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कि ये हर इंटीजर वैल्यू पे अपनी वैल्यू चेंज करता है, अपनी डेफिनेशन चेंज करता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की डेफिनेशन चेंज होती है एट एवरी इंटीजर वैल्यू ऑफ x। जैसे x की वैल्यू अगर 0 टू 1 के बीच में है तो इसकी वैल्यू 0 होती है, जैसे ही इसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में आएगी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हर इंटीजर पॉइंट पे ना इसका ग्राफ ब्रेक होता था, अगर आपको याद हो तो। तो क्योंकि ये हर इंटीजर पे अपनी डेफिनेशन चेंज करता है, एंड क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट x को भी हर इंटीजर पे ब्रेक करके चेक करेंगे कि इसकी क्या डेफिनेशन आएगी, क्या प्रॉपर्टी आएगी। तो बेसिकली इसी फंक्शन को रीडिफाइन करने जा रहे हैं हम लोग। तो ध्यान देना, तो केसेस बनाएंगे जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x में बनाए थे। तो फर्स्ट केस वुड बी दैट फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, इफ x लाइज बिटवीन 0 टू 1, उस केस में मुझे पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 होती है, तो फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस 0, दैट इज x ओनली, दिस इज x, दिस इज केस नंबर 1। फाइन, तो ब्रेक करके लिखा जा रहा है, इसको रीडिफाइन कर रहे हैं, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू x के बराबर हो जाएगी। सेकंड केस, अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस 1, दिस इज द सेकंड केस। सिमिलरली थर्ड केस वुड बी व्हेन x लाइज बिटवीन 2 टू 3, उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज 2, सो दिस विल बी x माइनस 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से इसके केसेस बनते जाएंगे, दिस इज x माइनस 3। और नेगेटिव में भी अगर देखना चाहो, अगर x की वैल्यू माइनस 1 से 0 के बीच में होगी, उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू माइनस 1 होती है, तो ये x प्लस 1 हो जाएगा। एंड अगर x की वैल्यू माइनस 2 से माइनस 1 के बीच में है, तो उस केस में इट वुड बी x प्लस 2। तो फंक्शन को हमने रीडिफाइन कर दिया इतने डिफरेंट केसेस के लिए, ऐसे चलता जाएगा माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। अब एक बार अगर हमारा फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया, रीडिफाइन हो गया, अब ग्राफ बनाया जा सकता है। फाइन, तो ग्राफ बनाते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले यहां से अगर मैं पिक करूं 0 से 1 वाला जो इंटरवल है, तो जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू x के बराबर है, तो मतलब कौन सा ग्राफ बनेगा, y is equal to x वाला ग्राफ बनेगा इस इंटरवल में। या फंक्शन कौन सा है, x के बराबर, तो y is equal to x वाला ग्राफ। और y is equal to x मुझे बनाना आता है, एक स्ट्रेट लाइन होगी पासिंग थ्रू द ओरिजिन एट 45 डिग्री एंगल। तो कैसा बन जाएगा ये कुछ ऐसा बन जाएगा, y is equal to x वाली लाइन है ये। फाइन, और जैसे ही x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 आएगी, तब तो ये वाली डेफिनेशन काम नहीं करेगी, तो यहां पे मैं ओपन इंटरवल लगा देता हूं, बोल सकता हूं। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन 0 टू 1। सिमिलरली नेक्स्ट इंटरवल 1 से 2, 1 से 2 के बीच में कौन सा ग्राफ बनेगा, y is equal to x minus 1 वाला ग्राफ बनेगा, y is equal to x minus 1। और चेक करो, x is equal to 1 पे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो जैसे ही x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहां पे सॉलिड सर्कल, और ग्राफ कौन सा बनेगा, y is equal to x minus 1, इसका और इसका दोनों का स्लोप तो बराबर ही है, तो इसी के पैरेलल लाइन बन जाएगी, इट विल बी लाइक दिस। और 2 पे आके फिर से क्या हो जाएगा, होल सर्कल। जैसे ही 2 पे आया, x is equal to 2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो दिस विल बी 0। और 2 से 3 के बीच में कौन सा ग्राफ बनना चाहिए, y is equal to x minus 2, अगेन पैरेलल लाइन बनेगी, स्लोप्स बराबर है, इट इज लाइक दिस। एस इस तरीके से ग्राफ बनता जाएगा, 3 से 4 के बीच में कुछ ऐसे बन जाएगा। और नेगेटिव साइड पे भी अगर देखा जाए, तो माइनस 1 से 0 के बीच में कौन सा ग्राफ है, y is equal to x plus 1 वाला, ये भी पैरेलल लाइन बनेगी, और माइनस 1 पे इसकी वैल्यू 0 होगी, तो माइनस 1 पे 0, और ये ऐसे कुछ पैरेलल लाइन,
सो इस तरीके से ओके एंड दिस ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का. सारी जितनी भी लाइंस दिख रही हैं ऑल आर द पैरेलल लाइंस फाइन. और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स में भी तुम देख पा रहे हो कि इसकी डेफिनेशन हर इंटीजर पॉइंट पे चेंज हो रही है. इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर पॉइंट. ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की प्रॉपर्टी भी वही थी, हर इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस था, ब्रेक हो रहा था. ओके अब इस ग्राफ को देख के इसकी डोमेन बताई जा सकती है क्या, द डोमेन ऑफ द फंक्शन. एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा, तो तुम देख सकते हो एक्स की सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड होगा. एक्स की हर वैल्यू के लिए कोई ना कोई कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल जाएगी आपको. सो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स. एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन. रेंज का मतलब होता है वाई की वैल्यूज. तो अगर तुम ग्राफ को देखो तो ग्राफ पे क्या लग रहा है, वाई की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है, जीरो से लेके वन के बीच में. सिर्फ इतने पोर्शन में ग्राफ बनाया गया, इसके बियॉन्ड नहीं जा रहा. तो रेंज क्या होगी, जीरो से लेके वन के बीच में. जीरो के जीरो पे क्लोज आएगा, जीरो को इंक्लूड करना है, बट वन पे क्लोज नहीं आएगा. वन कभी नहीं होगी इसकी वैल्यू. या तो द रेंज वुड बी क्लोज इंटरवल जीरो टू ओपन इंटरवल वन. सो दिस इज द डोमेन एंड रेंज. तो इसका ग्राफ याद रखा जाएगा. दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड फंक्शंस, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस. इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए. करेक्ट. हाँ जी, नेक्स्ट देख लो. नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. क्या क्या प्रॉपर्टीज है, बिल्कुल बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, देखते जाओ वन बाय वन. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज फ्रैक्शनल पार्ट एक्स लाइज बिटवीन 0 टू 1. ये तो हमने ग्राफ से देखा था अभी कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की जो वैल्यू होती है उसकी रेंज क्या होती है, 0 टू 1 के बीच में, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन. दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1, इसको याद रखा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड प्रॉपर्टी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी इंटीजर इज ऑलवेज इक्वल टू 0. ये भी मुझे पता है. 10 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 होगा. -2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा. तो जितने भी इंटीजर्स नंबर्स हैं उसमें सिर्फ इंटीग्रल पार्ट होता है, डेसिमल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 होता है. सेकंड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस i इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. यहां पे i क्या है, i इज एन इंटीजर नंबर. सो दिस i इज इंटीजर. तो इसका मतलब ये कि फ्रैक्शनल पार्ट x वाली ब्रैकेट के अंदर अगर कोई भी इंटीजर प्रेजेंट है प्लस में या माइनस में, उसका कोई भी रोल नहीं होगा, वो सिंपली डिसअपीयर हो जाएगा. तो सिंपली फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के बराबर रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है, इसको आराम से वेरीफाई करा जा सकता है. जैसे हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.7 अगर लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.7 ही हो जाएगी. और अगर मैं लिखूं 0.7 प्लस 1, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, ये भी तो 0.7 ही होगा. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.7 प्लस 2 कर दूं अगर मैं, इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी कितना होगा, 0.7 होगा. तो तुम देख पा रहे हो कि इस x की वैल्यू में अगर मैं कोई भी इंटीजर ऐड करता जाऊं तो उससे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, सेम ही रहेगी. तो याद रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या था कि कोई भी अगर इंटीजर अंदर प्रेजेंट है वो बाहर आ जाता था, फ्रैक्शनल पार्ट में क्या है, वो सिंपली डिसअपीयर हो जाएगा वहां से. डन. नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज 0. ये समझ पा रहे हैं क्या, x अगर कोई भी एक रियल नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो क्या आ जाएगा, वो एक इंटीजर नंबर आ जाएगा. और किसी भी इंटीजर नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 होता है. ये लिखा गया है. फाइव, आगे क्या लिखा गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x, दिस इज इक्वल टू 0. ये भी आई होप समझ में आ रहा होगा. फ्रैक्शनल पार्ट x को हम जानते हैं इसकी वैल्यूज क्या होती है, 0 टू 1 के बीच में. तो अगर कोई भी नंबर 0 टू 1 के बीच में है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, हमेशा 0 होगा. So this is a property. And finally, the last property says, very important, fractional part of x plus fractional part of minus x, iski value is 0 if x is an integer and 1 if x is not an integer. To isko bhi ek example se samjha ja sakta hai. To agar main x ki value integer le lu, suppose 2 le lu, to fractional part of x plus fractional part of minus x kitna aa jayega, iska result bhi 0, iska result bhi 0, so the result is 0. तो अगर तो x इंटीजर है इन दोनों का सम हमेशा 0 आएगा. और अगर x नॉन इंटीजर है, मान लो यहां पे मैं 2.1 ले लूं, तो दिस विल बी -2.1. इस केस में चेक करो रिजल्ट क्या आएगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.1 एंड इसका फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.9, सो दिस विल बी 1. तो ये हमेशा 1 के बराबर होगा. ठीक है,
तो ऐसे सिमिलर प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी थी, उसमें था ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x इक्वल टू जीरो इफ x इज एन इंटीजर बट माइनस वन व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर। यहां पे क्या हो गया, माइनस वन की बजाय वन हो गया, तो इसको याद रखा जाएगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके डन, तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट जितना भी था, कंसेप्चुअल पार्ट जितना भी था, हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट अस प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। तो फ्रैक्शनल पार्ट x को इन्वॉल्व करते हुए एक इक्वेशन लिखी गई है और इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। x की कितनी वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो देखना, ट्राई करते हैं। सो सबसे पहले आई गेस हम देख पा रहे होंगे कि ये फ्रैक्शनल पार्ट x में ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। या तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट x में क्वाड्रेटिक है, तो चाहो तो फॉर द टाइम बीइंग हम फ्रैक्शनल पार्ट x को t मान सकते हैं। तो इफ यू टेक फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू t, तो ये t में क्वाड्रेटिक लिखी गई है, 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना मुझे आता है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व हो जाएगी ये। सो दिस इज 2t स्क्वायर माइनस 4t माइनस t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 2t वुड बी कॉमन, t माइनस 2 माइनस 1 वुड बी कॉमन, t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला हमें, 2t माइनस 1 टाइम्स t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से t की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है, इधर t इज इक्वल टू 1/2 और t इज इक्वल टू 2। ये दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है हमारी t की, और t क्या था हमारा, फ्रैक्शनल पार्ट x था। तो वापस से रिप्लेसमेंट कर देते हैं, so fractional part x is equal to 1/2 or fractional part of x is equal to 2। या तो देख के बता दो, fractional part x की वैल्यू अगर 2 के बराबर है, तो यहां से x की कितनी वैल्यूज आएंगी, कितने ऐसे नंबर्स होंगे जिनका फ्रैक्शनल पार्ट, जिनका डेसिमल पार्ट 2 होगा। तो ऐसा कोई भी नंबर होना पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू तो 0 टू 1 के बीच में ही लाई करती है हमेशा। तो यू विल गेट नो सॉल्यूशन फ्रॉम हियर, इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहां से देख के बता दो, अगर फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू 1/2 है, 0.5 है, ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी x की, तो ऐसी तो ढेर सारी वैल्यूज होंगी। x इज इक्वल टू 0.5 होगा, 1.5 होगा, 2.5, ऐसी कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज आ जाएंगी। तो वी विल से दैट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वुड बी इनफाइनाइट। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया था, तो आंसर कितना आ गया, इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x आर देयर। फाइन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव टू सिंपलीफाई दिस एक्सप्रेशन। दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर x, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके, सिंपलीफाई करते हैं इसको, ध्यान देना। तो सिग्मा यूज करा गया है, सिग्मा को एक्सपेंड करके देख लेते हैं पहले, तो क्या बनेगा ये। सो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस, देखो ये जो 1/2000 है, ये तो r पे डिपेंड नहीं कर रहा, दिस इज अ कांस्टेंट नंबर, इसको सिग्मा के बाहर लिख रहा हूं मैं 1/2000, और बाकी जो सिग्मा बचेगा उसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो जब मैं आपको 1 पुट करूंगा, क्या मिलेगा आपको, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 मिलेगा। इफ यू पुट r इज इक्वल टू 2, इट वुड बी x प्लस 2 का फ्रैक्शनल पार्ट। इस तरीके से चलता जाएगा, और लास्ट में जब मैं 2000 पुट करूंगा r को, इट इज गोइंग टू बी x प्लस 2000। ठीक है, तो हमने सिग्मा को एक्सपेंड करके एक सीरीज के फॉर्म में लिख लिया। तो इसको सिंप्लीफाई करो, सो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/2000। अब इसको देखना ध्यान से, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 प्रॉपर्टी क्या थी, अगर इसके अंदर कोई भी इंटीजर नंबर प्रेजेंट होता है ना, तो उसका कोई भी रोल नहीं होता, वो यहां से गायब हो जाएगा। तो ये सिंपली फ्रैक्शनल पार्ट x के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली ये भी फ्रैक्शनल पार्ट x के बराबर होगा। सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म होगी फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 3, इसको भी फ्रैक्शनल पार्ट x लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से वी कैन से हर टर्म की वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट x हो जाएगी सिंपली। तो ये ऐड हो जाएगा, कितने टाइम्स, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी, 2000 टर्म्स आर देयर। तो ये कितनी टर्म्स लिखी गई है, 2000 टर्म्स लिखी गई है। फाइन, तो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं इसको, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/2000। तो इसको अगर मैं इतने टाइम्स ऐड करूंगा, इट वुड बी 2000 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये चीज आई, तो 2000 2000 कैंसिल आउट, बचा क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। तो डेफिनेशन क्या होती है, इन दोनों का जो सम होता है किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है।
सो दैट्स इट। इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके क्या मिला हमें, x मिल गया। ओके हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देख लो। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये कुछ इक्वेशंस लिखी गई हैं, इनको सोल्व करके x की वैल्यूज फाइंड करनी है। सो स्टार्टिंग विद द ए पार्ट, 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। समझ रहे इसको ध्यान से, बड़े कॉमन क्वेश्चन है ये, काफी बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान देना, इसमें प्रेजेंटली तीन टाइप की टर्म्स हैं, x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x और फ्रैक्शनल पार्ट x, या ये तीन टाइप की टर्म्स है। और हमें ये भी पता है कि इन तीनों के बीच में रिलेशन तो होता ही है, और रिलेशन क्या होता है, दैट x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये रिलेशन होता है। तो हम क्या करेंगे, इस रिलेशन का यूज करके इनमें जो तीन टाइप की टर्म्स है उसको सिर्फ दो टाइप की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेंगे। तो हम हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, x को इन दोनों से रिप्लेस करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x से। तो देखना क्या मिलेगा, सो दिस विल बी 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x, x को लिखा हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो दिस इज द स्टेप नंबर 1। अब दो टाइप की टर्म्स बची हैं, इनके साथ कैसे डील कर रहे हैं देख लो। तो इस तरफ प्रेजेंट है 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x, ये इस तरफ जाएगा, तो यू विल गेट 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो हमेशा तुम्हारे पास क्या आएगा ना, फ्रैक्शनल पार्ट x में और ग्रेटेस्ट इंटीजर x में एक रिलेशन आ जाएगा। जैसे ही ये आएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले तो उसको एक काम कर लेते हैं, ऐसे एक्सप्रेस कर लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाय 3, दिस इज द रिलेशन। अब जैसे ही ये रिलेशन आ गया ना, तो we are going to use the property कि जो fractional part x होता है वो 0 to 1 के बीच में lie करता है, so the fractional part x always lies between 0 to 1, ये पता मुझे, ठीक है। तो fractional part x की value मैं इससे replace कर देता हूँ, 2 times greatest integer x by 3, so 2 greatest integer x upon 3 lies between 0 to 1। तो हमारे पास एक in equation create हो गई, इसको solve कर लिया जाएगा, 3 से multiply कर रहे हैं, तो this will be 0 2 times greatest integer x and 3, और 2 से divide कर देते हैं, तो you will get 0 greatest integer x 3 by 2, तो ये हमारे पास की जो greatest integer x की values हैं, वो 0 से 3 by 2 के बीच में lie करेंगे। अब मुझे ये तो पता ही है कि greatest integer x क्या होता है, एक integer number होता है, तो बता सकते हो कि अगर इस integer number की value 0 से 3 by 2 के बीच में है, तो इसके possible values कौन सी हो सकती हैं? तो दो ही तो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 होगा या 1 होगा, ओनली 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर, ये समझ पा रहे हैं क्या हम लोग? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x एक इंटीजर नंबर है, और 0 से 3 बाय 2 के बीच में दो ही तो इंटीजर पॉसिबल हो सकते हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की ये दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी। अब अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 0 वाला केस लूंगा, तो इस रिलेशन को यूज करके फ्रैक्शनल पार्ट x तो फाइंड कराई जा सकता है, तो इसके हेल्प से इस केस के कोरिस्पोंडिंग यू विल गेट कि फ्रैक्शनल पार्ट x कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और इसके कोरिस्पोंडिंग फ्रैक्शनल पार्ट x विल बी कितना, दिस इज 2/3 टाइम्स दिस, सो दिस इज 2/3। तो ये दो पॉसिबल केसेस आए, दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 2, और हमें क्या चाहिए था, हमें x की वैल्यू चाहिए थी इक्वेशंस को सॉल्व करके x की वैल्यू, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x होता है, तो 0 प्लस 0, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, दिस इज वन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सिमिलरली यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, सो दिस इज 1 प्लस 2/3, दैट इज 5/3, सो दीस आर द टू सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5/3। चाहो तो इसमें पुट करके सेटिस्फाई भी करके देख सकते हो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो ये स्टैंडर्ड अप्रोच है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, डन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 1, अगेन सिमिलर फॉर्म है, तीन टाइप की टर्म्स प्रेजेंट है, x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फ्रैक्शनल पार्ट x, तो वही काम करेंगे, x को रिप्लेस कर दो, x विल बी रिप्लेस्ड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो माइनस 2 इज ऑलरेडी देयर, टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं बैठ के, ध्यान देना, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा यू विल गेट ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर
plus fractional part x into greatest integer x minus 2 times greatest integer x. इस पूरी टर्म्स को भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं. सो प्लस 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू 0. इतनी टर्म्स आ गई हैं. अब ध्यान देना, ये वाली टर्म ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, ये मिलके क्या बना रही है? दिस कैन बी रिटन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 का होल स्क्वायर. यस, ओके. और जो बाकी दो टर्म्स बचेंगी इसमें यू कैन सी फ्रैक्शनल पार्ट x कॉमन लिया जा सकता है. तो यू विल बी लेफ्ट विद ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0. तो इस तरीके से फैक्टराइज कर लिए बेसिकली हमने इसको, नेक्स्ट स्टेप में फैक्टराइज हो जाएगा. तो इन दोनों टर्म्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 और ब्रैकेट में ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 0. तो देखो दो फैक्टर्स बन गए हमारे, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0. अब या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या दूसरा 0 होगा. अगर पहला 0 है ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और द सेकंड वन इज 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0. तो फर्स्ट वाले से तो क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 1 आया. या और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब यहां से x की पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगी, 1 से लेकर 2 के बीच में आ जाएंगी. So these are all the possible solutions of the given equation. 1 से लेके 2 के बीच में जितने भी infinitely many numbers होंगे, वो सारे के सारे इसका solution का part होंगे. Fine. और ये दूसरा केस देख लो. दूसरे केस में क्या मिल रहा है तुम्हें? Greatest integer x plus fractional part of x is equal to 1. ये बन गया. और इन दोनों का सम क्या होता है? X के बराबर होता है ये तो that means x is equal to 1. तो यहाँ से एक ही solution आया, x is equal to 1. This is 4. तो अगर फाइनल सॉल्यूशन पूछा जाए इसका, सो द फाइनल सॉल्यूशन वुड बी 1 टू 2 ओनली. ये वाला 1 तो इसमें तो इंक्लूड हो ही गया ऑलरेडी. सो द सॉल्यूशन, द फाइनल सॉल्यूशन इज दैट x बिलोंग्स टू 1 टू 2. ओके, तो अगेन सेम प्रोसेस हमने फॉलो किया जो लास्ट क्वेश्चन में करा था. x को इन दोनों की टर्म्स में ब्रेक करके लिखा गया. हां जी, लास्ट सी पार्ट देख लेते हैं इसका. Mod of x minus 1 is equal to 2 times greatest integer x minus 3 times fractional part x. तो क्वेश्चन तो सिमिलर सा है, तीनों टाइप की टर्म्स प्रेजेंट हैं, बट यहाँ पे मॉडुलस का फंक्शन प्रेजेंट है. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले आपको मॉडुलस को ब्रेक करना पड़ेगा. और मॉडुलस को ब्रेक करने का रूल क्या होता है, दो केसेस बनाए जाते हैं हमेशा. पहला जब अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, और दूसरा जब अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव होगी. ठीक है, तो बना रहे केसेस ध्यान देना. So the case number one is when x minus 1 is greater than or equal to 0, that means if x is greater than or equal to 1, this is the case number one. तो check करो, अगर x minus 1 हम positive मान के चल रहे हैं, तो इसका modulus remove करने से इसकी value में कोई change नहीं आएगा. So this is simply x minus 1 is equal to 2 times greatest integer x minus 3 times fraction part x. तो ये equation इसमें convert हो गई है. और ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका मुझे पता है, x को मैं रिप्लेस करूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x से. सो दिस इज दिस माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x. ओके, तो टर्म्स जो सेम टाइप की टर्म्स से कलेक्ट कर लो, तो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x, दिस वुड बी माइनस 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये रिलेशन आ गया. और इस स्टेप के बाद क्या करना होता है, हमें ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट x को एक्सप्रेस करना होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x में. तो फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 बाय 4. ये रिलेशन आ गया दोनों में. और जैसे ही तुम्हारे पास ये स्टेप आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू आ गई ग्रेटेस्ट इंटीजर x की टर्म्स में, द इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप वुड बी, इस पे कंडीशन लगाई जाती है कि इसकी वैल्यू 0 टू 1 के बीच में होती है. तो लगा दो कंडीशन. सो द वैल्यू ऑफ दिस कंप्लीट थिंग, द ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 अपॉन 4 इज लेस देन 1, लाइज बिटवीन 0 टू 1. अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट दिस इज लेस देन 4, 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1, दिस इज 3. ये रिजल्ट आया. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, माइनस 1 से 3 के बीच में लाइन करेंगे. अब इन नंबर्स के बीच में कितने पॉसिबल इंटीजर्स मिलेंगे आपको, माइनस 1, 0, 1 एंड 2. तो यहां से हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी कौन कौन सी, या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू माइनस 1,
या ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 0 या ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 1 या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 2। ये चार पॉसिबल केसेस आ गए। अब चेक करो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 हुआ, यहां पे पुट करूंगा तो फ्रैक्शनल पार्ट x कितना आ जाएगा, 0। या अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 हुआ, इट वुड बी 1/4। अगर इसकी वैल्यू 1 होगी, इट वुड बी 2/4। 2/4 मींस 1/2। और अगर इसकी वैल्यू 2 है, इट वुड बी 3/4। सो फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू 3/4। अब केस नंबर 1 में क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 है, फ्रैक्शनल पार्ट x 0 है, तो इसके कोरिस्पोंडिंग x की वैल्यू जो आपको मिलेगी, सो द x वैल्यू विल बी इक्वल टू दोनों का सम इज -1, तो यहां से -1 आएगी, करेक्ट। सेकंड केस, दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो इट वुड बी 1/4, तो यहां से x की वैल्यू इज 1/4। थर्ड केस, 1 + 1/2 = 3/2, सो x इज इक्वल टू 3/2। एंड द फोर्थ केस, जब इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3/4, सो 2 + 3/4 इज 11/4, सो x इज इक्वल टू 11/4। तो कोरस्पोंडिंग टू 4 डिफरेंट केसेस, हमारे पास x की 4 डिफरेंट वैल्यूज आ गई, 4 पॉसिबल वैल्यूज आ गई। बट ध्यान रखना, हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि इन चारों सॉल्यूशंस में से ऐसे कौन से सॉल्यूशन है जो हमारी इस गिवन कंडीशन को, गिवन केस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो केस क्या था, x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो चेक करो, तो ये वाला सॉल्यूशन रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो यहां से हमें यही वाले दो वैल्यूड सॉल्यूशन मिले, 3/2 एंड 11/4। तो केस नंबर 1 से दो सॉल्यूशन आ गए हमारे पास, फाइन। केस नंबर 2 भी देख लो एक बार, व्हेन x -1 इज लेस देन 0, दैट मींस x इज लेस देन 1, दिस इज द केस नंबर 2, तो इसके कोरिस्पोंडिंग भी सॉल्व कर लिया जाएगा। अब अगर x -1 की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मॉडुलस हटाने से इसकी वैल्यू नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो इट वुड बी 1 - x, सो 1 - x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, पर x को ब्रेक करेंगे, सो दिस विल बी 1 - ग्रेटेस्ट इंटीजर x - फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ओके। नेक्स्ट चेक करो, ये कितना बनेगा, 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x बनेगा, एंड दिस इज -2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1। और अब क्या करना है, हमें फ्रैक्शनल पार्ट x को एक्सप्रेस करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर x में, सो दिस इज 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1/2। द नेक्स्ट स्टेप इज, इसकी वैल्यू 0 टू 1 में लाई करती है, सो दिस कंप्लीट नंबर 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1/2 लाइज बिटवीन 0 टू 1, इसको सिंपलीफाई करा जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 < 2, 1 ऐड करेंगे, यू विल गेट 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x लाइज बिटवीन 1 टू 3, और 3 से अगर तुम डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, ये चीज मिलेगी। तो क्या पता चला, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1/3 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो सोच के देखो, 1/3 से 1 के बीच में कोई इंटीजर वैल्यू है क्या, कोई भी नहीं है, सो यू विल गेट नो वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर। तो केस नंबर 2 से कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला, तो जो टोटल सॉल्यूशंस आए हमारी इक्वेशन के, वो दो ही सॉल्यूशंस आ रहे हैं, 3/2 एंड 11/4, सो द आंसर वुड बी x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू 11/4। या तो आई होप ये चीज क्लियर है, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तो उनको करने का स्टैंडर्ड मेथड, x को ब्रेक करा जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x + फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में, यहां भी बस एक एक्स्ट्रा फंक्शन आ गया था मॉडुलस वाला, उसके कोरस्पोंडिंग हमें पता है हमेशा केसेस बनाए जाते हैं और वही काम करा गया।